हरियाणा में 21 शहरों में बरसात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें 14 शहर इंद्री, रादौर, कैथल, नीलोखेड़ी, थानेसर, गुल्ला, पिहोवा, शाहबाद, अंबाला, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला में चेतावनी जारी की गई है। वहीं घरोंडा, करनाल, असंद, नरवाना, थानेसर, गुल्ला, कालका में हल्की बरसात की आशंका जताई गई है। यहां गर्ज चमक के साथ बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि 16 सितंबर को हरियाणा के सभी जिलों में बरसात को लेकर अलर्ट है, जबकि हरियाणा के कई जिलों में आज हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलेंगी। बात हरियाणा के जिला सरसा की करें तो सरसा में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जबकि हल्की हवाएं चलने के साथ मौसम सुहावना हो चुका है। तापमान में गिरावट के चलते लोगों को हालांकि गर्मी से भी थोड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि हरियाणा में सितंबर में अभी तक मानसून रूठा हुआ है। सप्ताह भर में सामान्य से 43% कम बरसात दर्ज की गई है। सूबे में 7 दिनों में 13.5 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसके मुकाबले औसतन 23.6 mm बरसात होनी चाहिए थी। मानसून सीजन की बात करें तो सूबे में 1 जून से 14 सितंबर तक 352.3 mm बरसात दर्ज की गई है, जो राज्य में होने वाली औसत बारिश 405.6 mm से 3% कम है। हरियाणा के 21 जिलों में बारिश न होने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा हालात भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, सरसा के हैं। यहाँ बारिश न होने से हालात बेहद खराब हैं। सूबे के 2 जिले ऐसे हैं जहाँ हालात सामान्य बने हुए हैं, इनमें फरीदाबाद और गुरुग्राम जिला शामिल है। फरीदाबाद में मौसम विभाग द्वारा 83 mm बरसात दर्ज की गई है, जबकि यहां 29.2 mm सामान्य बरसात होती है। गुजरे 7 दिनों में यहां पर 184% बारिश हुई है। वहीं गुरुग्राम में सामान्य से 24% कम बरसात दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल 2 दिन मौसम परिवर्तनशील रहेगा, बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। इसके चलते ही प्रदेश भर में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बरसात होने से लोगों को राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।